नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। सुपौल और सरायगढ़ जुड़ने जा रहा है गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे से। जी हाँ दोस्तों, बिहार में गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे का काम शुरू हो गया है। ये बड़ी अच्छी खबर है और इसको लेकर के जो है वो अलाइनमेंट भी क्लियर हो गया है, पिलर गाड़ने का काम शुरू हो गया है। अब इसके बाद ज़मीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, तो काम ने रफ्तार अब पकड़ना शुरू कर दिया है और उस दिशा से भी, पश्चिम चंपारण की दिशा से भी काम शुरू हो गया है। ज़मीन को चिन्हित करने का काम, पिलर गाड़ने का काम शुरू हो गया है। तो पहला जो ग्राउंड पे चीज़ें अब दिखने लगी हैं, लेकिन इसमें मायूसी वाली बात यह है कि मधेपुरा और सहरसा को इस एक्सप्रेसवे से जो है वो लाभ नहीं मिलने जा रहा है, डायरेक्ट कोई लाभ नहीं मिलने जा रहा है क्योंकि कनेक्टिविटी नहीं होगी। और ये देखिए, सरायगढ़ के पास ये पिलर गड़ गया है और ये सदानंदपुर है। सरायगढ़ से उत्तरी दिशा में अगर आप जाएंगे, सरायगढ़ भपटिया से उत्तरी दिशा में, तो कोसी के किनारे सदानंदपुर गांव है, वहां पर ये पिलर गाड़ने का काम शुरू हो गया है। और सदानंदपुर जो है उसके अलावा हरिहार, मोतीपुर, उसके बाद दौलतपुर, प्रतापगंज होते हुए ये लाइन निकल रही है, यानी कि ये हाईवे निकल रहा है एक्सप्रेसवे। और सरायगढ़ भपटियाई प्रखंड क्षेत्र से गुजरने वाली एक्सप्रेसवे के लोगों में काफ़ी हर्ष है, काफ़ी खुशी है। और सबसे बड़ी चीज़ है, अगर यहाँ से ले जा रहे हैं आप, तो आप किस तरीके से ले जा रहे हैं ये देखिए। ये पूरी लाइन होगी बिल्कुल सीधी, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे। और अभी जो NH 27 है वो कुछ इस तरह से है, बिल्कुल नीचे से ऊपर जाता हुआ घुमावदार रास्ता दिखाई दे रहा है जो फारबिसगंज की तरफ जा रहा है। लेकिन ये इसमें ख़ास बात ये होगी कि एक नया ब्रिज भी बनाना पड़ेगा सदानंदपुर के पास, क्योंकि जब ये रूट ले जा रहे हैं आप तो यहाँ पर निश्चित रूप से ये ब्रिज बनेगा। और ब्रिज बनने के बाद ही ये जो है वो लाइन सेपरेट और ग्रीन एक्सप्रेसवे होगी। लेकिन इस ब्रिज का जिक्र अभी तक किसी ने नहीं किया, लेकिन जब ये सदानंदपुर की बात सामने आई है कि यहाँ पर ज़मीन अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है या पिलर गाड़ने का काम चल रहा है, तो निश्चित रूप से अब ये है कि एक इसके लिए सेपरेट ब्रिज बनाया जाएगा। इससे पहले ये ऐसा अनुमान था कि इसको बकौर भेजा से जोड़ दिया जाएगा, लेकिन वो अब नहीं लग रहा है। एक सेपरेट ब्रिज इसको बनाया जाएगा कोसी पर, इस लाइन को सीधा रखने के लिए, इस एक्सप्रेसवे को सीधा रखने के लिए। और सीधा कैसे होगा वो देखिए, कुछ इस तरह से बिल्कुल सीधा होगा, शॉर्ट होगा, कम समय लगेगा। इसलिए कहा जा रहा है कि जो 12 घंटा समय लगता है गोरखपुर से सिलीगुड़ी का, उसको 6 घंटे के अंदर पूरा सीधा आधा कर देना, बिल्कुल सीधा। इसलिए लेकिन मायूसी ये है कि सहरसा मधेपुरा को लिंक नहीं किया गया इससे, लेकिन उसको लिंक करने के लिए, लिंक के लिए जो है वो तीन रास्ते हैं सहरसा से। एक तो आप वाया सुपौल होकर के, एक गंडौल होकर के, और एक जो नया बनेगा भेजा होकर के, उस तरफ से तीन तरफ से जा सकते हैं। जबकि मधेपुरा के लिए दो ऑप्शन होगा, एक भेजा की तरफ से और एक सिमराही की तरफ से इसको कनेक्शन मिलेगा इस एक्सप्रेसवे में जुड़ने के लिए। तो ये डायरेक्ट तो लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन उसके आसपास से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, जो NH 27 से भी जुड़ सकते हैं, और उसके अलावा जो है आप एक्सप्रेसवे से भी जुड़ाव इस तरह से होगा। तो डायरेक्ट लिंक नहीं, लेकिन ये है सबसे बड़ी चीज़ है कि सरायगढ़ के जो अलाइनमेंट है वो दिखने लगा है साफ साफ, और इससे क्लियरिटी साफ साफ हो गई है कि इस अलाइनमेंट में अब कोई बदलाव नहीं किया गया है। और इस अलाइनमेंट को बिल्कुल पंजाब के हिसाब से या फिर जम्मू के हिसाब से इस एक्सप्रेसवे को तैयार किया गया है, कम समय को ध्यान में रखते हुए। और सीधा है, ग्रीन एक्सप्रेसवे, ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे है, इसलिए इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, बिल्कुल सीधा निकाला गया है। और NH 27 से पैरेलल ही कह सकते हैं कि NH 24 जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है उसके पैरेलल ही एक तरह का है, लेकिन चूंकि सेपरेट होगा और सीधा होगा, इसलिए इसका लाभ लॉन्ग डिस्टेंस वालों को होगा, खास करके जो असम से लोग आ रहे होंगे, सिलीगुड़ी की दिशा से जो लोग आ रहे होंगे, दिल्ली की तरफ जाना चाह रहे होंगे, उनके लिए ये रास्ता सेपरेट हो सकेगा। जबकि NH 27 जो है उस पर जो अभी नॉर्थ ईस्ट से जो गाड़ियां आ रही हैं उस पर लोड कम हो जाएगा और उस पर वो चला जाएगा। ये NH 27 बिहार के लोगों के लिए, खास करके जो सहरसा मधेपुरा के इलाके के लिए या दरभंगा के इलाके के लिए, उनके लिए वो लाइन अभी भी यूज़फुल ही रहेगी, बिहार के लोगों के लिए यूज़फुल रहेगी। लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस वालों के लिए वो गोरखपुर एक्सप्रेसवे ही जो है वो एक रास्ता होगा उसको, उनको दिल्ली या पंजाब या जम्मू कश्मीर जाने के लिए। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दरभंगा हाउस। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला।